हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेशन में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, आज उसके नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसे हम वायवीय श्वसन भी बोलते हैं, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसे हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। इसमें फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर? अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ भी होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ भी होता है। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस तो एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक में भी होता है। तो लेकिन यहाँ जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है। क्लियर? एनएरोबिक में कम होता है। अब हम दोनों के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसके पहले हम देखते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसे हम परफेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और फूड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो जो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है और साथ ही वो लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही लिटिल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर इन दोनों में ग्लूकोज अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होता है तो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेप जो है, मतलब ग्लाइकोलिसिस जो है वो तो फर्स्ट स्टेप होगी रेस्पिरेशन की और वो दोनों में ही कॉमन होगी। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर कंडीशन एरोबिक है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तो दोनों में हो रहा है, एनएरोबिक में भी होता है और एरोबिक में भी होता है। तो वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनता है, तो ये क्रिया तो अभी कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन में ये पाइरूविक एसिड एंटर कहाँ करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ क्रैब साइकिल चलती है, ईटीएस चलती है और साथ ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एटीपी की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्लियर? और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, साथ ही एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखिए कि ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड तो बन ही रहा है, मतलब ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड मतलब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पाइरूविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाता है क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है। इसलिए तो ये पाइरूविक एसिड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में तो इथाइल अल्कोहल बनाता है और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और यहाँ क्या होता है? बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कहलाता है। अब हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है, एरोबिक को हम बोलते हैं वायवीय और एनएरोबिक को बोलते हैं अवायवीय। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है, मतलब सारी जो लिविंग सेल्स है हायर प्लांट्स और एनिमल्स की उनमें होता है, और जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया, फंजाई, जर्मिनेटिंग सीड्स और फ्लेशी फ्रूट्स, मसल्स इनमें होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि वो अवायवीय श्वसन है। इसमें एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, इसमें अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो होता है, वन मॉलिक्यूल, उसके ऑक्सीडेशन से 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि इसमें एटीपी का प्रोडक्शन केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें ग्लाइकोलिसिस को छोड़ करके सारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसमें सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक में फूड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनएरोबिक में फूड का कम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है और स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है और एनएरोबिक जो है उसमें ये हायर प्लांट्स के लिए, ये सॉरी नॉन टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए और एनएरोबिक टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए। अब
आगे हम बात करते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किस किस मेथड से होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, ये प्रोटोजोआ पॉरीफेरा है और जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, तो ये ऑर्गेनिज्म वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वही रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करती है। तो यहाँ देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो इसी सरफेस से अंदर ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न कर दी जाती है। जो हेलमिंट्स होते हैं ये दो टाइप के, ये हेलमिंट्स ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स में तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है एनारोबिक मेथड से रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन इन हायर वर्टिब्रेट के बारे में। हायर वर्टिब्रेट में जो रेस्पिरेशन होता है, सॉरी हायर इनवर्टिब्रेट के बारे में, तो यहाँ हम प्रोन के बारे में देखें तो प्रोन में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, एनिलिड्स में पैरापोडिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और कॉकरोच में ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है, अर्थफॉर्म में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और यहाँ पर ये जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है, मतलब एक रेस्पिरेटरी थ्रू के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन होता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन बींग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है कि फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करता है और हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करता है। और ये जो सिस्टम होता है इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। यहाँ पर तो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नासा छिद्र कहते हैं, फिर नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर होता है, फिर उसके बाद में जो पोर्शन आता है वो फेरिंग्स का पोर्शन आता है। अब यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन फेरिंग्स का है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होती है और ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होती है, क्लियर। और ये क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, जहाँ पर ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स होती है वहाँ पर ये लंग्स में प्रेजेंट होती है, क्लियर। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं, पहला पार्ट आता है नॉस्ट्रल्स जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, सेकंड नेजल चैम्बर, थर्ड इंटरनल नेयर्स, फोर्थ फेरिंग्स, फिफ्थ लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई और लंग्स। सबसे पहले बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स की। ये नोज के टिप पर जो दो होल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और नॉस्ट्रिल्स अंदर की तरफ नेजल कैविटी में ओपन होते हैं और नेजल कैविटी दो नेजल चैम्बर में डिवाइड होती है नेजल सेप्टम के थ्रू। यहाँ पर देखिए ये जो सेप्टम होगा नेजल सेप्टम, तो वो नेजल कैविटी जो है वो डिवाइड हो जाती है दो नेजल चैम्बर में, इधर का एक चैम्बर होगा और एक इधर चैम्बर होगा, क्लियर। अब जो नेजल चैम्बर है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन और ऑल्फैक्टरी रीजन। वेस्टिबुलर रीजन फॉरवर्ड पार्ट होता है जो कि स्मॉल पार्ट होता है, इसमें हेयर्स और ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और ये डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से बचाता है। और जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है वो नेजल चैम्बर का मिडिल रीजन होता है और ये हाईली ग्लैंडुलर रीजन होता है, पिंकिश रेड कलर का होता है और हाईली वेस्कुलर होता है। ये रीजन क्या करता है, एयर को फिल्टर करने का और उसको वार्म करने का काम करता है। और जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है वो स्मेल का काम करता है, सूंघने का काम करता है, क्लियर। ये नेजल चैम्बर का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम से ये लाइन रहता है, क्लियर। अब बात करते हैं हम इंटरनल नेयर्स की। अब यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है इंटरनल नेयर्स, तो यहाँ क्या था, यहाँ जो नॉस्ट्रल्स थे उनकी ओपनिंग हुई नेजल चैम्बर में और नेजल चैम्बर जो है वो अंदर की तरफ कहाँ ओपन हो रहे हैं, इंटरनल नेयर्स में ओपन हो रहे हैं। तो सबसे जो पीछे की तरफ जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, इंटरनल नेयर्स कहलाता है। ये स्मॉल होल्स होते हैं जो कि नेजल चैम्बर के पोस्टीरियर मोस्ट रीजन में ओपन होते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो नेजल चैम्बर का पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये क्या है, एक स्पेसियस स्ट्रक्चर होता है, मतलब नेजल चैम्बर का पोस्टीरियर पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। अब आप यहाँ देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इंटरनल नेयर्स, ये ओपन कहाँ हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। और फेरिंग्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लेरिंजो फेरिंग्स। अब यहाँ हम बात करते हैं नेजो फेरिंग्स की। तो नेजो फेरिंग्स, फेरिंग्स का अपर मोस्ट पार्ट होता है और डायरेक्टली नेजल कैविटी के साथ ये कम्युनिकेट करता है। और ये जो नेजो फेरिंग्स होते हैं इसके बेस पर एक सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट पैलेट दिखता है। फिर सेकंड पार्ट आता है ओरोफेरिंग्स जो येलो कलर में दिखाया गया है।
तो माउथ की जो ओपनिंग होती है, माउथ पीछे की तरफ कहाँ ओपन होता है, ओरोफेरिंग्स में ओपन होता है। ये ओरल कैविटी के साथ ओरोफेरिंग्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, क्लियर। फिर आता है हाइपोफेरिंग्स या लेरिंजोफेरिंग्स, ये कॉमन पैसेज में होता है फूड और एयर का, और ये फेरिंग्स का लोअर मोस्ट पार्ट होता है। ये लैरिंग्स और ईसोफेगस में आगे की तरफ लीड करता है। ये देखिए, ये जो हाइपोफेरिंग्स या लेरिंजोफेरिंग्स का पार्ट है, ये कहाँ लीड कर रहा है, इधर लैरिंग्स की तरफ भी करता है और इधर ईसोफेगस की तरफ भी ये लीड करता है। तो ये जो लेरिंजोफेरिंग्स होता है, ये जो एपिग्लॉटिस का सुपीरियर बॉर्डर होता है, वहाँ से वो जो क्रिकॉइड कार्टिलेज का इन्फीरियर बॉर्डर होता है, वहाँ तक ये फैला रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लैरिंग्स की। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, और साथ ही स्पीकिंग में भी ये हेल्प करता है। ये ट्रेकिया के अपर टॉप पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो ट्रेकिया है, इसके ट्रेकिया के अपर पार्ट पर ये क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब लैरिंग्स में मेनली रीजन जो होते हैं, वो पहला होता है हायोइड बोन, ग्लॉटिस, कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन एंड लैरिंजियल लिगामेंट्स एंड मसल्स एंड वोकल कॉर्ड्स। जो कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स होते हैं, ये इतने टाइप्स के होते हैं, जिनको अभी आगे हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है। लैरिंग्स में सबसे पहला आता है हायोइड बोन, क्लियर। ये हायोइड बोन लैरिंग्स के जस्ट अबाव प्रेजेंट होती हैं, और एम्ब्रियोलॉजिकली इसे स्कल बोन कंसिडर्ड किया जाता है, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है इसे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोटिस की। ग्लोटिस ट्रेकिया की ओपनिंग होती है। अब ये एक लीड के थ्रू गार्डेड रहती है, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, ये लैरिंग्स है, जो लैरिंग्स की ओपनिंग होगी उसे हमने बोला ग्लोटिस, और इसके ऊपर की तरफ ये जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। मतलब ग्लोटिस किससे गार्ड रहता है, एपिग्लोटिस से। एयर ट्रेकिया में ग्लोटिस के थ्रू ही एंटर करती है, यहाँ जो ग्लोटिस होगा उसी के थ्रू एयर ट्रेकिया में एंटर करती है, क्लियर। तो यहाँ हमने पहला हायोइड बोन पढ़ा, दूसरा हमने ग्लोटिस एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ा, अब तीसरा हम पढ़ते हैं कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स में 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज होते हैं, जो कि नेचर में हाइलीन होते हैं। सबसे पहला होता है एपिग्लोटिस। अब ये क्या है, एपिग्लोटिस भी एक कार्टिलेज होता है। तो एपिग्लोटिस स्मॉल लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लोटिस को गार्ड करता है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जो कि नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। मतलब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एपिग्लोटिस की बात कर रहे हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है। और एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है, ये ग्लोटिस को क्लोज करता है, कब, जब अपन फूड की स्वलोइंग होती है, तो फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए, इस कारण से ये जो ग्लोटिस है, एपिग्लोटिस है, वो ग्लोटिस को ढक लेता है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने पहले जो कार्टिलेज है एपिग्लोटिस, उसकी बात की, इसका क्या फंक्शन है। दूसरी हम बात करते हैं ये थायरॉइड कार्टिलेज। पहला था एपिग्लोटिस कार्टिलेज, दूसरा है थायरॉइड कार्टिलेज। ये लैरिंग्स का लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, जो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। इसमें टू फ्लैट प्लेट्स होती है, ये जो आपको दिख रही है, ये टू फ्लैट प्लेट्स हैं, जिन्हें हम लैमिना कहते हैं, जो मिडिल में यहाँ पर फ्यूज हो जाती हैं, और एक वी शेप का सुपीरियर नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम थायरॉइड नॉच बोलते हैं। ये जो आपको नॉच दिख रहा है, ये खांच दिख रही है, इसको बोलते हैं सुपीरियर थायरॉइड नॉच कहते हैं, क्लियर। अब ये जो थायरॉइड कार्टिलेज है, ये लैरिंग्स को फ्रंट में सपोर्ट करता है और लेटरल साइड पे भी सपोर्ट करता है, और ये एक सबक्यूटेनस प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे लैरिंजियल प्रोमिनेंस या हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। यहाँ जो आपको ये फुला हुआ पार्ट दिखता है गर्दन का, यहाँ पर आगे की तरफ, इसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, क्लियर। अब ये तो हमने बात की थायरॉइड कार्टिलेज की, अब हम बात करते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज की। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये रिंग शेप कार्टिलेज होता है, जो थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, ये लैरिंग्स के लोअर पार्ट को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं एरेटिनोइड कार्टिलेज की। ये इसकी इस व्यू में आपको पोस्टीरियर व्यू में दिखेगा, ये एरेटिनोइड कार्टिलेज। एरेटिनोइड कार्टिलेज दो स्मॉल साइज कार्टिलेज होते हैं, जो पिरामिडल शेप के होते हैं, और ये लैरिंग्स के बैक में सिचुएटेड होते हैं। और एरेटिनोइड कार्टिलेज जो हैं, वो लैरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट को और अपर पोर्शन को सपोर्ट करते हैं। फिर आता है ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये है एरेटिनोइड कार्टिलेज, और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, जिन्हें हम कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी भी कहते हैं।
ये दो स्मॉल कॉनिकल कार्टिलेज पीसेस होते हैं जो कि एरेटिनेट कार्टिलेज की अपर एंड्स पर लोकेटेड रहते हैं। ये देखिए, ये एरेटिनेट कार्टिलेज है, इसके अपर एंड पर क्या प्रेजेंट है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होते हैं। फिर होते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये दो स्मॉल रोड शेप्ड कार्टिलेज होते हैं जो कि एपिग्लोटिस को एरेटिनोइड कार्टिलेज से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये देखिए, ये एपिग्लोटिस है और ये एरेटिनोइड कार्टिलेज है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है ये क्या कर रहे हैं, एपिग्लोटिस को एरेटिनोइड कार्टिलेज से कनेक्ट करने का काम करते हैं। फिर आता है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन क्या होती है? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन ब्रॉड फ्लैट मेम्ब्रेन होती है जो हायोइड बोन और जो थायरोइड कार्टिलेज है उनको अटैच करती है, मतलब उनसे अटैच रहती है, जो कि ऊपर की तरफ तो हायोइड बोन से अटैच रहेगी और नीचे की तरफ ये थायरोइड कार्टिलेज से रहेगी। तो ये देखिए आप, ये है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। थायरोहायड मेम्ब्रेन क्या है, ब्रॉड है, फ्लैट मेम्ब्रेन है, जो कि ऊपर की तरफ तो कहाँ से, ये जो येलो कलर की हायोइड बोन है वहां से अटैच रहती है, और नीचे की तरफ ये कहाँ से, थायरोइड कार्टिलेज से अटैच है। क्लियर, ये थायरोइड कार्टिलेज है, इससे ही अटैच है यहाँ पर। फिर आती है लेरेंजियल लिगामेंट्स एंड मसल्स। लेरेंजियल लिगामेंट्स और मसल्स का क्या काम होता है? तो ये लेरेंजियल लिगामेंट्स जो होते हैं, जो लेरिंग्स के जितने भी कार्टिलेज होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये लेरेंजियल मसल्स के साथ में जो लेरेंजियल स्ट्रक्चर होते हैं उनके मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं हम वोकल कॉर्ड्स की। ये जो आपको वोकल फोल्ड्स दिख रहे हैं ये वाले, तो इन वोकल कॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये टू स्मॉल पेयर ऑफ फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, जो लैरिंग्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और ये येलो इलास्टिक फ्लेक्सिबल येलो इलास्टिक टिश्यू के बने हुए रहते हैं। और ये जो लैरिंग्स की ल्यूमन है, मतलब लेटरल साइड में जो लैरिंग्स की ल्यूमन से ये फैले हुए रहते हैं, और अपर पैर जो होता है, ये देखिए आप इसका, ये आपको दिख रहे हैं ये दोनों, इसका जो अपर पैर होता है इसे हम फाल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं, और जबकि लोअर वाला जो पैर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। और इनके बीच का जो गैप होता है वोकल कॉर्ड्स के बीच का, उसे हम क्या बोलते हैं, रीमा ग्लॉटिडिस बोलते हैं। इन दोनों के गेप को हम बोलते हैं रीमा ग्लॉटिडिस बोलते हैं। वोकल कॉर्ड जो मेन में होती है वो यूजुअली थीकर होती है और वुमेन के कंपैरिजन में लॉन्गर भी होती है, और ये स्लोली वाइब्रेट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि मेन का जो पिच ऑफ वॉइस होता है वो फीमेल के वॉइस, फीमेल के पिच से लोअर होता है। क्लियर, तो ये हमने यहाँ पर लैरिंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हायोइड बोन के बारे में हमने डिस्कस किया, ग्लॉटिस के बारे में किया, कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स के बारे में डिस्कस किया, ये सारे कार्टिलेज पढ़े हमने। फिर थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, लैरिंजियल लिगामेंट्स और वोकल कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये लैरिंग्स का पार्ट था। अब हम बात करते हैं ट्रेकिया की, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रेकिया लैरिंग्स के जस्ट नीचे की तरफ से स्टार्ट होती है और ये स्टर्नम के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये दो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होती है जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वाला तो क्या है, ये ट्रेकिया है जिस पर यहाँ पर सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है जो इसे कोलेप्स होने से बचाती है। फिर ये ट्रेकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई लंग्स में जाकर के किस में डिवाइड होती है, ब्रोंक्यूल्स में। अब ये दोनों को मिलाकर तो ब्रोंकाई बोलेंगे, लेकिन एक की बात करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, ठीक है। दोनों को मिलाकर ब्रोंकाई बोलते हैं, और एक सिंगल की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। तो ये तो होगी लेफ्ट ब्रोंकस और ये होती है राइट ब्रोंकस। ये डिवाइड होकर के क्या बनाती है, ब्रोंक्यूल्स बनाती है। क्लियर, तो ट्रेकिया जो है लगभग, ये जो इस पर रिंग प्रेजेंट होती है, लगभग 20 कार्टिलेजनस रिंग होती है जो इससे कॉलेप्स होने से बचाती है। लंग्स ये स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन होते हैं एक जोड़ी, जो चेस्ट या थोरेक्स के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग थ्री लॉब्स का बना हुआ होता है। यहाँ देखिए, ये है राइट सुपीरियर लॉब, ये है राइट मिडिल लॉब और ये है राइट इन्फीरियर लॉब। तो राइट लंग तो तीन लॉब्स का बना होता है, जबकि लेफ्ट लंग जो है वो दो ही लॉब्स का बना होता है, लेफ्ट सुपीरियर लॉब एंड लेफ्ट इन्फीरियर लॉब्स का बना हुआ होता है। और जो ब्रोंक्यूल्स होती है, हमने पढ़ा था कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड होती है, जिससे ये जो है ये क्या कहलाएगी, ब्रोंकाई, और ब्रोंकियाई डिवाइड होकर क्या बनाएगी, ब्रोंक्यूल्स। तो हर ब्रोंक्यूल्स जो ट्यूब होती है वो कुछ स्मॉल एयर सैक्स के क्लस्टर्स में एंड होती है, जिन्हें हम एल्विलाई बोलते हैं।
एल्वोलाई टाइनी ग्रेप बंचेस जैसे दिखते हैं और बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये लंग्स की यूनिट भी होती है, और जो लंग्स होते हैं उन लंग्स में लगभग 600 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेशन और हायर वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू। थैंक यू।